तो आज का शीर्षक है, नूह के जहाज की सच्चाई क्या है। बाइबल की बहुत से अनोखी घटनाओं में से नूह का जहाज भी एक है, नोहास आर्क। आज विश्व भर में नूह के जहाज को लेकर बहुत वाद विवाद चलता है। जो लोग बाइबल को नहीं मानते वे नूह के जहाज को एक काल्पनिक कहानी समझते हैं, लेकिन बाइबल को मानने वाले बहुत से मसीही भी नूह के जहाज को लेकर उलझन में रहते हैं। उन्हें भी कभी कभी यह संदेह होता है कि क्या सच में कोई इतना बड़ा जहाज बना सकता है जिसमें सभी प्रकार के जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का एक एक जोड़ा रखा जा सके। और अगर किसी ने इतना बड़ा जहाज बना भी लिया तो भी वो सारे जानवरों को, हाथी, शेर, बाघ, जिराफ, सांप इत्यादि को कैसे इकट्ठा करके जहाज में चढ़ा सकता है। इस संदेश में आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए कृपया पूरा संदेश देखिए। आदम से जो पीढ़ियां शुरू हुई तो आगे चलकर करीब 1650 साल बाद सारी मानव जाति पाप में डूब गई। उस समय पृथ्वी पर इतने ज्यादा लोग नहीं थे, उस समय पृथ्वी अलग अलग महाद्वीपों में भी नहीं बटी हुई थी जैसा हम आज देखते हैं। सारी भूमि एक खंड थी जो जल में से निकली थी, जैसा उत्पत्ति का 1:9 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने देखा कि हर मनुष्य पाप में डूबा हुआ है। उत्पत्ति 6:5-6 कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर से सब मनुष्यों को मिटा देगा। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? क्योंकि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 13वीं आयत में कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह को बताया कि वो पृथ्वी पर जल प्रलय लाएगा और सारे प्राणियों का अंत कर देगा। इसलिए नूह को उसने एक जहाज बनाने को कहा ताकि नूह और उसका परिवार बच सके और उनके द्वारा पीढ़ियां आगे बढ़ सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, 18वीं आयत में, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तो परमेश्वर ने नूह को जहाज की एकदम सही पैमाइश दी, अर्थात एकदम सटीक पैमाइश। परमेश्वर ने उससे कहा, 14वीं आयत में, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। राल मतलब डामर, जिस एक काले रंग का पदार्थ जिससे रोड बनाने का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी को रोकने के काम आता है, मतलब वाटर प्रूफिंग के काम आता है, उसको कहते हैं डामर, राल। और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ यानी 300 क्यूबिट, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना, यानी 3 माले। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ये काल्पनिक कहानी होती तो परमेश्वर इतनी सटीक पैमाइश नहीं देता, क्योंकि सटीक पैमाइश की मदद से कोई भी आने वाले समय में उसकी जांच पड़ताल कर सकता था और उसे गलत साबित करने की कोशिश कर सकता था कि जहाज कितना बड़ा था, क्या उसमें सारे जानवर और पक्षी आ सकते थे इत्यादि, इन सब की वो जांच पड़ताल कर सकता था। अगर इस कहानी में जहाज की लंबाई, चौड़ाई और दूसरी विशेषताएं नहीं लिखी होती तो कोई भी नूह की इस घटना की जांच नहीं कर पाता, जिससे इस कहानी को गलत साबित करने की संभावना बहुत कम हो जाती। लेकिन बाइबल तो परमेश्वर का वचन है जिसमें कुछ भी झूठ या मनगढ़ंत नहीं है।
इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ साफ साफ लिख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जब आगे जाकर विज्ञान विकसित हो जाएगा तो बुद्धिजीवी प्रलय की और नूह के जहाज की जांच कर पाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि बाइबल एकदम सही है। तो अब सोचो क्या हुआ, आगे जाकर यह बात एकदम सही साबित हुई। आज के आधुनिक जहाज निर्माताओं ने जब नूह के जहाज की रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि परमेश्वर ने जो पैमाइश दी थी उससे नूह का जहाज एक बक्से जैसा बन गया था, तो उन्होंने उसी पैमाइश का एक छोटा मॉडल बनाया और उसको दूसरे जहाजों के मॉडलों के साथ बहुत बड़े पानी के टैंक में डालकर टेस्ट किया। उन्होंने पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा की और ऊपर से भी खूब पानी बरसाया। तब उन्हें समझ आया कि परमेश्वर ने नूह को वैसा जहाज बनाने को क्यों बोला था, क्योंकि बाकी दूसरे जहाजों के मॉडलों के मुकाबले में केवल एक नूह के मॉडल का जहाज ही था जो नहीं डूबा, बाकी सब उस परीक्षण में डूब गए। नूह के जहाज को यात्रा करने के लिए नहीं बनाया था परमेश्वर ने, बल्कि केवल पानी के ऊपर तैरने के लिए बनाया था, इसलिए उसकी पैमाइश बक्से के आकार की थी। अगर नूह की कहानी काल्पनिक होती तो उसमें नूह के जहाज का ऐसा अनोखा आकार बिल्कुल नहीं होता, बल्कि दूसरे आम जहाजों जैसा ही कोई आकार होता। तो अब दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में जहाज इतना बड़ा था कि हर प्रकार के जानवर और पक्षी का एक एक जोड़ा उसमें आ सकता था। नूह के जहाज का आकार कुछ इस प्रकार था, कुल लंबाई 450 फीट, चौड़ाई 75 फीट और ऊंचाई 45 फीट। यह 1.5 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा था, मतलब 1.5 फुटबॉल ग्राउंड। उसकी ऊंचाई जो लगभग 45 फीट थी, उसमें 3 डेक थे, अर्थात 3 खंड, 3 मंजिल थे, जैसा उत्पत्ति 6:16 में लिखा है, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। अब 1.5 फुटबॉल ग्राउंड में अगर 3 मंजिल हो तो वो 1.5 फुटबॉल ग्राउंड का 3 गुना हो गया, मतलब उसमें बहुत ज्यादा जगह थी सभी जानवरों और पक्षियों के एक एक जोड़े के लिए। यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने डायनासोर भी बाकी जानवरों के साथ ही बनाए थे आदम की वाटिका में, जब उसने आदम को बनाया था। विज्ञान जो बताता है कि डायनासोर मनुष्य से करोड़ों साल पहले हुआ करते थे वो गलत है, क्योंकि जब भी पुरातत्ववेताओं ने खुदाई की है तो उन्होंने डायनासोर और मनुष्य के अवशेष यानी फॉसिल्स, हड्डियां, एक साथ ही पाए हैं। मनुष्य भी और डायनासोर दोनों के अवशेष एक साथ ही पाए गए हैं। तो कभी कभी कोई सोचता है कि इतने बड़े बड़े डायनासोर नूह के जहाज में कैसे आए होंगे, तो उसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं है कि वे जानवर पूरे वयस्क हों, अर्थात पूरे बड़े हुए हों। वे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे आकार के, जो जहाज से उतरने के बाद बड़े हुए। तो नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है लोगों ने उससे पूछा होगा कि भाई तुम ये क्या बना रहे हो, तो नूह ने उन्हें परमेश्वर की योजना बता दी होगी और साथ में उसने ये भी कहा होगा कि सब लोग अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर से क्षमा मांग लो और प्रलय के आने पर जहाज में चढ़ जाना, तो बच जाओगे। लेकिन लोग नहीं माने और उसका मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने सोचा होगा कि शायद नूह का सिर फिर गया है। अब उनके ऐसा सोचने का कारण यह भी हो सकता है कि नूह सूखी जमीन पर जहाज बना रहा था, वहां तो आसपास कोई पानी भी नहीं था। फिर वो प्रलय अर्थात बहुत बड़ी किसी बाढ़ की बात कर रहा था, जबकि उन्होंने तो पहले कभी बारिश भी नहीं देखी थी, क्योंकि उस समय तक तो कोई बारिश हुई ही नहीं थी। उस समय तक तो सारी भूमि और सारी फसल कोहरे से सिंचा करती थी, जैसा उत्पत्ति 2:5-6 में लिखा है। तो लोगों ने नूह की बात नहीं मानी। अब आगे उत्पत्ति 6:19 में परमेश्वर ने कहा, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। तो अब सवाल उठता यह है कि नूह ने सभी जानवरों, रेंगने वाले जीवों और पक्षियों को कैसे इकट्ठा किया होगा,
क्या जानवर उसकी बात सुनते थे? पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं, तो नूह ने उनसे कैसे बात की होगी? इसका जवाब अगली आयत में है। 20वीं आयत कहती है, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। ऐसा परमेश्वर नूह को कह रहा है कि तू उनको जीवित रखे, मतलब सब में से दो दो तेरे पास आएंगे। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उन्हें नूह के पास लेकर आएगा और वे अपने आप जहाज में चढ़ जाएंगे। ये थी परमेश्वर की योजना। क्या परमेश्वर, जिसने सब जानवरों और पक्षियों को बनाया, वो उन्हें आज्ञा नहीं दे सकता जहाज में चढ़ने की? बिल्कुल दे सकता है। आगे उत्पत्ति के 7:9 बताता है, और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। तो सब अपने आप नूह के पास जहाज में चले गए, तो नूह को कुछ करना नहीं पड़ा। अब रहा सवाल उनके भोजन का, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 6:21 में कहा, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तो लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। तो इस तरह परमेश्वर ने उन सब के भोजन का इंतजाम किया। उत्पत्ति 7:2 में परमेश्वर ने नूह से कहा, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से सिर्फ दो दो लेना अर्थात नर और मादा, तो जो शुद्ध है उनमें सात सात जोड़े लेने। क्यों? अब शुद्ध पशुओं के सात सात जोड़े इसलिए बोले परमेश्वर ने, क्योंकि वो चाहता था कि प्रलय के बाद जब एक नई दुनिया शुरू होगी नूह से, तो उसमें भी बलिदान का सिलसिला जारी रहना चाहिए, जो उसने आदम के समय से ही स्थापित कर दिया था। और बलिदान शुद्ध जानवरों का ही होता था, जैसा लैव व्यवस्था 11:2-23 में लिखा हुआ है। पापों की क्षमा के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता था, जो एक चिन्ह था कि एक दिन परमेश्वर का पुत्र स्वयं आकर बलि देगा सारे मानव जाति के पापों के लिए, और उसके बाद जानवरों की बलि का सिलसिला रुक जाएगा। तो नूह, उसकी पत्नी, नूह के 3 बेटे और उनकी पत्नियां, सारे जानवर, पक्षी और रेंगने वाले जीव जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल थे, सब जहाज में चढ़ गए और सुरक्षित हो गए। पृथ्वी के बाकी लोगों ने मन नहीं फिराया और नूह का मजाक उड़ाते रहे। ठीक 7 दिन बाद प्रलय का आरंभ हो गया। उत्पत्ति 7:11-12, जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष में दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति 8:4 कहता है कि नूह का जहाज अरारत की पहाड़ियों पर जाकर टिक गया था। नूह अपने पूरे परिवार और सभी जीवों के साथ कुल मिलाकर 1 साल और 17 दिन जहाज में रहा। उसके बाद वे सब जहाज से निकलकर सूखी जमीन पर आ गए, क्योंकि परमेश्वर ने बारिश रोक दी थी और पृथ्वी पर जल सुखा दिया था। साथ में उसने समुद्र की सीमाएं बांधकर उसमें पानी इकट्ठा कर दिया, जैसा उत्पत्ति 8 और अय्यूब 38:8-11 में समझाया है। तो जहाज से बाहर आकर नूह ने सबसे पहले क्या किया? उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उत्पत्ति 8:20 कहता है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से
कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। फिर परमेश्वर ने नूह, उसके बेटों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के साथ एक वाचा बांधी कि वो फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। उस वाचा का उसने एक चिन्ह भी दिया, जैसा उसने उत्पत्ति 9:13 में कहा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, जिसको बाइबल मेघ धनुष बोलता है, इंग्लिश में रेनबो। भारत में इसे इंद्र धनुष के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए इंद्र कोई देवता नहीं है, इसलिए बाइबल इसे बादलों का धनुष अर्थात मेघ धनुष कहता है। अब कुछ लोग यहां तर्क करते हैं कि रेनबो को परमेश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। बारिश के बाद जो पानी की नमी हवा में रह जाती है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो सूरज की किरणों का रंग पानी से लगकर रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थात चमक मारते हैं, इसलिए आसमान में 7 रंगों का एक धनुष बन जाता है। तो यहां मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक तौर पर तो यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है कि रेनबो पृथ्वी की शुरुआत से नहीं था, क्योंकि प्रलय से पहले बारिश हुई नहीं थी। ये तो प्रलय के समय जब परमेश्वर ने पहली बार बारिश करवाई, उसके बाद जाकर पहली बार रेनबो आया, जिसको परमेश्वर ने अपनी वाचा का चिन्ह ठहराया। इससे तो बल्कि बाइबल की वास्तविकता का प्रमाण मिलता है कि रेनबो का जिक्र प्रलय से पहले किया ही नहीं गया है बाइबल में। विज्ञान तो परमेश्वर से ही शुरू हुआ है, क्योंकि उसने तो विज्ञान के सभी सिद्धांत बनाए हैं, परमेश्वर ने, जिनके आधार पर उसने सभी ग्रहों को ब्रह्मांड में टांग रखा है, वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। पर जिसको मनुष्य विज्ञान का सिद्धांत बोलता है, साइंस बोलता है, उसको बाइबल परमेश्वर का सामर्थ्य बोलता है। बहुत बार विज्ञान असफल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हमेशा सफल रहता है। आधुनिक मनुष्य सिर्फ विज्ञान की बात करता है, इसलिए वो नूह के जहाज को काल्पनिक बताकर बाइबल का तिरस्कार कर देता है। लेकिन अमेरिका के केंटकी शहर में नूह के वास्तविक जहाज के आकार का ही एक जहाज बनाया गया है, लोगों को यह समझाने के लिए कि नूह का जहाज वास्तव में कैसा था, उसकी 3 मंजिलें कैसे बनी हुई थी, क्या उसमें सभी जानवरों और पक्षियों के लिए जगह थी इत्यादि। आजकल तो दूसरे कई देश भी नूह के जहाज का प्रतिरूप बना रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। साथ में एक और बात का ध्यान रखिए कि नूह का जहाज वैसा नहीं था जैसा बच्चों की कहानियों की किताबों में दिखाया जाता है, जो ऊपर से खुला हुआ है और सारे जानवर बाहर खड़े हैं। वो तो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए वैसा चित्र बनाया जाता है। वास्तविक जहाज तो ऊपर से बंद था और पानी से एकदम सुरक्षित रह सकता था। अब कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि इतना बड़ा जहाज केवल 8 लोगों ने कैसे बना लिया। तो उसका जवाब यह है कि नूह को जहाज बनाने में लगभग 100 वर्ष लगे। उस समय में मनुष्य की उम्र सैकड़ों साल की हुआ करती थी। वो तो प्रलय के बाद परमेश्वर ने पाप की वजह से मनुष्य की उम्र कम कर दी थी, जैसा उत्पत्ति 6:3 में लिखा है। दूसरा, जहाज के लिए लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस समय में पेड़ों की कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस जहाज को बनाने में परमेश्वर नूह के साथ था, इसलिए वो बना पाया। दूसरा, पत्रस 3:3-6 में लिखा है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और वे बाइबल की इन बातों का मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर जानता है कि भले ही कोई कितना भी समझा ले, फिर भी बहुत से अविश्वासी नूह के जहाज को काल्पनिक ही समझेंगे। इसलिए जब वो स्वयं मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह, तो उसने नए नियम में नूह के जहाज का भी जिक्र किया, जो उसका तरीका था यह बताने का कि नूह का जहाज और प्रलय एक सच्ची घटना है। यीशु ने कहा मत्ती 24:37-39 में, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यीशु अपने दूसरे आगमन के बारे में बता रहा था इस आयत में, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, आज भी संसार ऐसे ही अपने भोग विलास में खोया हुआ है और कोई भी सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, जैसे नूह के समय में होता था।
39वीं आयत में, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो इन आयतों में यीशु ना केवल नूह के जहाज की पुष्टि कर रहा है बल्कि वो एक चेतावनी भी दे रहा है आज के मनुष्य को। आप इसको ध्यान से सुनिए, नूह का जहाज चिन्ह है यीशु मसीह का, नूह चिन्ह है सभी मसीहों का जो विश्व भर में लोगों को यीशु का सुसमाचार सुना रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जो अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेगा उसे नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है जैसा बाइबल सिखाती है। प्रलय के समय में जो लोग जहाज में चढ़ गए थे अर्थात नूह और उसका पूरा परिवार, वे सब तो बच गए पर जो नहीं चढ़े वे नष्ट हो गए। ठीक वैसे ही आज जो यीशु रूपी जहाज में चढ़ जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे जैसे बाइबल सिखाती है। यूहन्ना 3:36 कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर आज आप यीशु को नहीं जानते तो आपकी सृष्टि करने वाले जीवित परमेश्वर से पूछिए कि क्या यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। बाइबल सिखाती है कि अगर आप खुले और निष्पक्ष मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि आप किस धर्म से हैं, केवल सच्चे मन से उस जीवित परमेश्वर को खोजिए जिसने आपकी सृष्टि की है। अगर उसका नाम यीशु है तो आप समय रहते उस यीशु रूपी जहाज में चढ़ जाइए और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाइए। आमीन।